فيروز الله نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب كيسے ہیں؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. آج ہم بھٹورے چنے بنائیں گے اور بھٹوروں کے لیے ہمیں چاہیے 2 کپ جو ہے وائٹ فلاور چاہیے, نمک حسب ضرورت چاہیے اور 1 ٹی اسپون جو ہے شوگر ڈلے گا اس میں اور ایسٹ اس میں جو ہے وہ 1/2 ٹی اسپون ڈلے گا. 1 کپ جو ہے سوجی ڈلے گی اور 2 یا 1 آدھا چمچ جو ہے دہی کا ڈلے گا اور یہ اس کو مکس کرنے کے لیے پانی کا ہم ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. اب اس میں ہم چینی ڈالیں گے, نمک, خمیرہ, سوجی, اسے اب ہم مکس کر لیں گے. और थोड़ा पानी ऐड करेंगे. डो रेडी हो चुकी है, अब इसको हम रेस्ट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे. ऊपर हल्का सा पानी लगा देंगे. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं. चने हमने बॉईल कर लिए हैं, ये 1/2 kg हैं. इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा और जो ज़ीरा है ये 1/2 टीस्पून अगर आप डालना चाहिए ऑप्शनल है और कलौंजी भी, ये भी ऑप्शनल है, ये 1/2 टीस्पून है और 1/2 टीस्पून जो है ये हल्दी है और चिली पाउडर भी जो है ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं. नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, कम ज़्यादा कर सकते हैं. और 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं चॉप्ड हैं, इनको मैं पेस्ट फॉर्म में कर लूँगी, जिसको चॉप पसंद है वो चॉप डाल सकता है. और ये गार्निश के लिए कोरिएंडर है और ये टमाटो भी जो है ये भी 1 प्याली चॉप करना है. ठीक है, इसको भी अगर आप पेस्ट बनाना चाहें तो पेस्ट बना सकते हैं. चलिए अब नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या करना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे. ज़ीरा डालेंगे. अब इसे हम हल्का हल्का मिक्स करेंगे. अब इसमें हम ये ऑनियन हमने चॉप कर लिया, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बना लिया, इसको गोल्डन कर लेंगे. फिर उसके बाद टमाटो पेस्ट डालेंगे. ये देखिए लाइट गोल्डन हो गया, अब इसमें हम टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे, बाकी सारे मसाले भी ऐड करेंगे. अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे. माशाल्लाह ये ऑयल ऊपर आ गया है, ये मसाला भून गया है, अब इसके अंदर हम चने ऐड करेंगे.
अब इसमें नमक मिर्च आप चेक कर लीजिएगा, आपको अगर कम ज़्यादा चाहिए हो तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। पानी इसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। अब ये देखिए हमारा सब कुछ चने जो है ना रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम वो कोरिएंडर डाल देंगे गार्निश के लिए, और इसमें गरम मसाला भी 1 टीस्पून आप डाल दीजिएगा। एक टीस्पून इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। अब बस ये रेडी हो चुका है, इसको मिक्स कर लेंगे, बस डन हो गया। माशाल्लाह से हमारी जो है डो तैयार हो चुकी है। अब जितनी देर इसको रखेंगे ना उतनी ही अच्छी तैयार होगी। अब हम इसके जो है ना लेमन साइज़ के इसके बॉल बनाएंगे और फिर इसको स्टार्ट करेंगे ऑयल में फ्राई करना। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह एक लेकर इसको ऐसे ऐसे प्रेस भी करना है। ऐसे अच्छे से प्रेस करके अल्हम्दुलिल्लाह से भटूरों के लिए रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। साइज़ आप देख ले, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो शेप पे मत जाइएगा, बस जल्दी में हो गया। ये ऑयल बिल्कुल गर्म हो उसमें डालिएगा। अब इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं। माशाल्लाह से ये रेडी होने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिद मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह भटूरे चने बन चुके हैं, और ये देखिए कितने सॉफ्ट और नरम बने। अब इसको टेस्ट करके ये देखें, सॉफ्ट बने, और ये देखें। अब इसको टेस्ट करके रिमास दिखाएंगी। रिमास जी, जी। रिमास ये टेस्ट करके बताओ कैसा है। चले बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैर।